नवाज शरीफ की कोर्ट लखपत जेल मुंतकली, लीगी कारकुन और पुलिस आमने सामने, मतवालों ने कैद की गाड़ी रोक ली, पुलिस के साथ धक्कम पेल, कारकुनों के नारे, खवातीन कारकुन भी जेल के बाहर मौजूद, पुलिस और इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी, लीगी मतवालों का फाटक गेट पर धरना, पुलिस के खिलाफ नारेबाजी, कैद से मुलाकात कराने का मुतालबा, नवाज शरीफ को जेल में डालने वाले जल्द खुद बैरकों में होंगे, पुलिस ने पुरअमन कारकुनों पर लाठी चार्ज किया, परवेज मलिक का इल्जाम। नवाज शरीफ सख्त सिक्योरिटी हिसार में कोट लखपत जेल मुंतकिल, नवाज शरीफ को नए मुकाम में सिक्योरिटी हिसार में एयरपोर्ट से मॉल रोड, गिरजा चौक से वॉल्टन रोड और फिरोजपुर रोड के रास्ते कोट लखपत जेल मुंतकिल किया, जेल के तरफ में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। नवाज शरीफ को जेल में बी क्लास की सहूलत मिलेगी, बैरक में टीवी, अखबार, मैट्रेस, तीन कुर्सियों के साथ मेज की सहूलत, घर से कपड़े, बर्तन और खाना मंगवाने की भी इजाजत होगी, जेल मुंतकली से कबल तिब्बी मुआयना, नवाज शरीफ को बैरक नंबर एक में रखा जाएगा, जुल्फिकार भुट्टो, आसिफ जरदारी, इमरान खान, जावेद हाशमी और ख्वाजा आसिफ इसी बैरक में जेल काट चुके। चीफ जस्टिस का डीजी एंटी करप्शन को शफी खोखर से तफ्तीश करने का हुक्म, अफजल खोखर की जमीनों को यकजा करने वाले कलेक्टर, तहसीलदार और पटवारी को पेश किया जाए, चीफ जस्टिस इंसाफ भी होगा और भाई भी इसी अदालत से लगोगे, चीफ जस्टिस से मुकालमा, यतीमों और बेवाओं की जमीनें हड़प कर गए, आज तक जो करते रहे उस पर खुदा का खौफ नहीं आया, चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। पायलट्स और कैबिन क्रू की डिग्रियों की तस्दीक के हवाले से आज खुद नोटिस केस, सुप्रीम कोर्ट का 28 दिसंबर तक तमाम अफराद की डिग्रीज की तस्दीक का हुक्म, जो वाजे और साफ डिग्रीज फराहम ना करे उसे फारिग कर दें, चीफ जस्टिस, बहुत से पायलट्स और कैबिन क्रू की फराहम करदा डिग्रीज पढ़े जाने के काबिल नहीं, वकील सिविल एविएशन। घरेलू मुलाजमा दो बहनों पर तशद्दुद का केस, साबिक वफाकी वजीर सदीक कांजू का बेटा अमीन कांजू कमरा अदालत से गिरफ्तार, अमीन कांजू ने यास्मीन और सायमा पर चोरी का इल्जाम लगाकर शदीद तशद्दुद किया, वालदेन का मौकफ। कायद आजम ने कहा था काम काम और बस काम, जिन्होंने अपनी जिंदगी पर खेल कर मुल्क बनाया हम उनकी याद छुट्टी करके मनाते हैं, चीफ जस्टिस के प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की कानूनी हैसियत से मुतल्लिक केस में रिमार्क्स, वजीर कानून और वजीर सेहत जाती हैसियत में तलब, वजरा अदालत में पेश होकर यूनिवर्सिटीज की मंजूरी से मुतल्लिक तफसीलात से आगाह करें, चीफ जस्टिस। आजादी की नेमत दिलाई, पाक वतन का तोहफा दिया, मिल्लत का पासमां है मोहम्मद अली जिना, बानी पाकिस्तान कायद आजम मोहम्मद अली जिना का आज 143वां यौम पैदाइश, कायद आजम मोहम्मद अली जिना की जिंदगी जुर्रत, अनथक मेहनत, दयानतदारी, हक गोई से इबारत, शहर भर में कायद आजम की सालगिरह पर तकरीबात, बाबाए कौम को सलाम। क्रिसमस का त्यौहार, मजहबी बरादरी की खुशियां हजार, मसीही बरादरी आज अपना मजहबी त्यौहार क्रिसमस मना रही है, गिरजाघर क्रिसमस ट्री से सज गए, सांता क्लॉज बने बच्चों की एक दूसरे को मुबारकबाद, कैथीड्रल चर्च रीगल चौक और डॉन बास्को चर्च एम्प्रेस रोड में खुसूसी इबादत, मुल्की सलामती खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं। सेंट मैरी चर्च एमएम आलम रोड पर क्रिसमस की दुआया तकरीब, मसीही बरादरी की भरपूर शिरकत, फादर फ्रांसिस नदीम ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी पर रोशनी डाली, मुल्की सलामती और अमन के लिए खुसूसी दुआ कराई, मरियम बैदाख चर्च न्यू नारकली में भी खुसूसी इबादत और दुआया तकरीब, मसीही बरादरी को क्रिसमस पर लाहौर न्यूज की मुबारकबाद, गिरजाघरों की सिक्योरिटी के लिए फूल प्रूफ इंतजाम। फंड्स की अदम दस्तयाबी, पाकिस्तान हॉकी सुपर लीग एक बार फिर मुलतवी, आइंदा माह शेड्यूल सुपर हॉकी लीग अब मार्च के तीसरे हफ्ते में करवाने का मंसूबा, 15 से 25 मार्च तक हॉकी लीग की तैयारियां,
12 गैर मुल्की खिलाड़ियों ने इवेंट में शिरकत की हामी भर ली।